मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां हम सीखते हैं एक्सेल वीवीए मैक्रोज पावर प्रोग्रामिंग रिपोर्ट ऑटोमेशन के लिए। दोस्तों, मैंने यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोज अपलोड किए हैं, आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने देखा है, कमेंट भी पास किया है, बहुत सारे लोगों ने लाइक भी किया है, बहुत सारे लोगों ने डिसलाइक भी किया है, बहुत सारे कम लोगों ने डिसलाइक किया है। जिन लोगों ने डिसलाइक किया है, मैं उनको सॉरी बोलना चाहता हूँ कि आप जैसा चाहते हो ऐसा मैं नहीं अपलोड कर पाया, और जिन लोगों ने लाइक कमेंट किए हैं उनके लिए थैंक यू। और आप लोग कमेंट्स में मुझसे पूछते हैं कि सर क्या करना है, मुझे इस तरह का प्रॉब्लम है, तो मैं बता दूं सर, कमेंट में मुझे लाइफ टाइम चेक करना मुश्किल होता है, इसलिए मैं अपना नंबर स्क्रीन पर दे रखा हूँ, आपको कुछ भी पूछना है कमेंट में ना लिख के मुझे कॉल कर लीजिए डायरेक्टली। कमेंट तो मैं हो सकता हूँ कि उसी दिन देखूँ, हो सकता हूँ कि उसके 10 दिन बाद देखूँ। चलिए आज के हम टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज जो हमारा ट्रेनिंग है वो एक बहुत ही मजेदार हम बात करने जा रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं कि रियल टाइम या लाइफ टाइम एक्शंस वीवीए में हम कैसे करें, उसके लिए हम जिक्र करने जा रहे हैं आपके साथ। तो मेरे पास क्या है कि जैसे कि वेबसाइट में देखते ना कि 5 स्टार 2 स्टार 3 स्टार इस तरह से देते हुए, तो मेरे पास भी कुछ आइटम्स है उसके यहाँ पे रेटिंग्स है। सबसे पहले मैं दूसरे शीट पे जिसपे मैं चाहिए मुझे रेटिंग समरी, उस पर मैं इसको पेस्ट करता हूँ एंड डेटा मेनू बार में जाके मैं रिमूव डुप्लीकेट करता हूँ, रिमूव डुप्लीकेट्स। इससे क्या हुआ कि सारे यूनिक आइटम मुझे ही दिखे एंड देन मैं यहाँ पे एवरेज निकालता हूँ, एवरेज इफ के जरिए मैं इसका रेटिंग एवरेज निकालता हूँ। तो डेटा में रेंज मुझे इसमें जाना है और A2 और फिर हमने रेटिंग सेलेक्ट कर लिया इसका एवरेज, तो एवरेज रेटिंग मुझे निकल के आ गया। और इसको मैं डेसिमल प्लेसेस में 2 डेसिमल प्लेसेस तक कर देता हूँ, सही रहेगा। तो यहाँ पे हमारा होगा रेटिंग। तो रेटिंग में क्या होता है, गोल साफ बबल्स होते हैं, तो मैं इसमें कुछ करना चाहता हूं। हम जाते हैं इंसर्ट सैंपल में, सैंपल में देखते हैं कि बबल्स के लिए क्या रेटिंग। ये सही रहेगा, ए ए ए ए। वैसे स्पेस होता है, मैं इसको यहीं पे रख देता हूं, आप लोग इसको इसके अंदर भी रख सकते हैं। एंड अगेन मैं इंसर्ट सैंपल में जाता हूँ, और तीसरा हमने सैंपल लाइनिंग के लिए, तो ये सही रहेगा। अब मुझे क्या करना है, जैसे 3.1 है तो इसमें एक ए आना चाहिए, एक ही आना चाहिए, एक ही आना चाहिए, जी हाँ। तो हमारे पास एक रैप्ट का फॉर्मूला होता है, रैप्ट। रैप्ट में मैंने इसको सिलेक्ट किया, मैंने बोला कि ये जो है, सॉरी रैप्ट को बोला मैंने, इसको सिलेक्ट किया और मैंने बोला इंट, इंट जो है इधर होना चाहिए। नहीं नहीं, मैं गलत कर दिया, इक्वल आईएनटी इंट, इंट हमने बोला ए, सॉरी रैप्ट,
रैप फॉर्मूला के साथ हम इस कैरेक्टर को सिलेक्ट करेंगे और हम इंट जो है इसको सिलेक्ट करेंगे, तो ये 3 बार रिपीट कर देगा। फॉर्मेट अप्लाई करना पड़ेगा, 3 बार रिपीट हो गया। उसके बाद मैं इसके साथ कॉनकैटेनेट कर रहा हूँ और फिर अगेन रैप्ट का फॉर्मूला लगा रहा हूँ। रैप्ट रैप्ट में मैं इसको सेलेक्ट किया और कंडीशन ये है कि इंट नॉट इक्वल टू डी वन। ओके, और उसके बाद इसमें हम कॉनकैटेनेट करते हैं अगेन रैप्ट। रैप्ट में हम इसको सेलेक्ट करते हैं और ये होगा इंट, यहां पे इस तरह से होगा 5 माइनस इंट ए। एक और माइनस कर, 4 माइनस कर। सॉरी, मुझे इसमें 5 में से आउट ऑफ 5 है ना, अब यहां पे दिक्कत हो गई है, यहां पे मुझे 2 में से 1 ही चाहिए ना। मुझे इसमें 2 में से 1 ही चाहिए, तो यहां पे मुझे इफ का कंडीशन लगाना पड़ेगा कि इफ कि दैट माइनस इंट इज ग्रेटर देन 0 तो 5 में 4 माइनस होगा, अदरवाइज अच्छा हाँ, इसमें इसमें हम एक काम और, इसको लगाने की जगह में 5, इसी में मैं 5 माइनस इंट कर देता हूँ ना, हाँ सही रहेगा 5 माइनस, एक कंडीशन लगाने से अच्छा है। ठीक है, तो 5 तक ही दिखाएगा। अब नीचे इसको ड्रैग करना है, इसको नीचे ड्रैग करना है, तो मुझे ये जो हमारा ये B15 है इसको फ्रीज करना पड़ेगा F4 से, F4 C15 को F4 से हमें करना पड़ेगा,
ND15 को हमें फोर्स करना पड़ेगा और फिर इसको नीचे तक ड्रैग कर देते हैं। तो ये स्टार क्रिएटेड हो गया एज पर माई रिक्वायरमेंट। और इसको कोई और कलर चाहिए तो कोई और कलर आप कर सकते हो, जो भी कलर चाहिए, खासकर रेड ही होते हैं, ज़्यादातर रेड होते हैं, तो मैंने रेड ले लिया। अब मैं बात करता हूँ इसमें, मैं चाहता हूँ इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ एक ग्राफ भी दिखे इसके अकॉर्डिंग। तो मैं यहाँ पे एक और चार्ट डेटा बनाता हूँ, डेटा आएगा यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5। वन स्टार, टू स्टार, 3, 4, 5 स्टार, इस तरह से आ गया, सही है। और इसके आगे फिर हम ब्रैकेट में 2 इन्वर्टर को देना पड़ेगा। टू डिस्ट्रीब्यूशन देने की जरूरत, हाँ टोटल में, कि टोटल में कितना आया है, तो इस पर हमें काउंट इफ करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे मैं इसको काउंट इफ का फॉर्मूला लगा दूंगा। काउंट इफ, काउंट इफ में मैंने यहाँ पे डेटा में गया और डेटा में मैंने इसमें काउंट इफ नहीं होगा, फिर काउंट इफ्स होगा, क्योंकि हमें 2 से 3 ढूंढने हैं ना, तो काउंट इफ्स। और हम यहाँ पे गए, हमने बोला इज ग्रेटर देन 1 और फिर हमने अगेन सेलेक्ट किया और कंडीशन दिया जिसे ग्रेटर देन लेस देन 2, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन ओनली फॉर 2। अच्छा यहाँ पे एरर हो गया, इसमें एक और बात होगा कि हम जहाँ सेलेक्ट करते हैं ना उसी का आना चाहिए, जिसे मैंने लिंक कर दिया जेट मोटर का, तो इसमें एक और कर देते हैं क्योंकि मुझे एक से ज़्यादा चाहिए, तो ये जेट मोटर सेलेक्ट कर देते हैं। इसमें हम डेटा में जाएंगे और डेटा में हमने इसको सेलेक्ट किया और हमने वापस सीट पे ए सेलेक्ट कर दिया जेट मोटर, तो 2 आया। और इसमें हम ब्रैकेट लगा देंगे तो थोड़ा सा और दिखेगा, क्योंकि हमें बाहर ब्रैकेट की तरह दिखना है हमें, तो यहाँ पे हमने ब्रैकेट लगा दी। या फिर एक काम और भी कर सकते हैं, एक फोर पहले लगा के इसको मैं नीचे ड्रैग करता हूँ, इसमें हमारा हो जाएगा 2 से और 3 तक। हम सीरियल नंबर को भी सिलेक्ट कर सकते थे काउंट इफ लगा के, लेकिन ऐसा हमने नहीं किया, आप चाहो तो कर सकते हो। फोर से फाइव तक एंड फाइव से सिक्स तक, ओके। और इसमें हमने कस्टम फॉर्मेटिंग लगा देता हूँ, कस्टम फॉर्मेट, और यहाँ पे मैं देता हूँ
ओके स्टार इसमें स्टार हैश एंड स्टार ऐसे इसको डिलीट भी कर दे तो दिख जाएगा। छोटी सी मिस्टेक, थ्री नहीं यहाँ पे हैश दे रहा था। और ये आता है कि आउट ऑफ टोटल कि कितने टोटल में से काउंट आया। तो कितना हमारा ये आया है एडिटिंग, तो कितने रिव्यू में से हमारा टोटल ही आया। तो हम यहीं पे कर देते हैं सम सम और इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और नीचे F4। इसमें फॉर्मेटिंग देने की जरूरत नहीं है तो मैं यहां से इस फॉर्मेटिंग को हटा देते हैं एंड ड्रैग। अब मैं इस पे अपना एक चार्ट बनाना चाहता हूं। इंसर्ट और मैं इसमें गया चार्ट ले लिया डेटा लेवल और इसको हाईलाइट कर देता हूं मैं और इसकी कलर में ये करता हूं, इसकी कलर जो है हल्का सा ग्रे कर देता हूं मैं। राइट क्लिक फॉर्मेट डेटा सीरीज फिल नहीं है, ये हो जाएगा सॉलिड कलर हो जाएगा। सही है थोड़ा सा और हल्का ये सही है। इसको सेलेक्ट करता हूँ, इसकी जो सॉलिड फिल कलर है इसमें चार्टिंग इसको कर देता हूँ कैंसिल। नहीं नहीं इसको रखने देता हूँ, इसका स्पेस हटा देता हूँ ताकि जगह बना रहे। राइट क्लिक फॉर्मेट डेटा लेवल और यहाँ पे आता है इनसाइड एंड या आउटसाइड बेस। नहीं
ये चार्ट बनाया तो सही, लेकिन इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम है कि ये फिर ये जो है सही नहीं होगा। तो इससे अच्छा है कि इसको लेने से अच्छा है कि हम चार्ट को यहीं पे चेन चार्ट टाइप कर देते हैं, चेन चार्ट टाइप, और ए सही रहेगा। ए सही रहेगा, राइट। और इसको छोटा सा, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, सीरीज वन को ये भी हटा देता हूँ। और ये देखिए, इसको मैं राइट क्लिक करके फॉर्मेट डेटा एक्सेस में जाता हूँ, और एक हमारे पास यहाँ पे आता है रिवर्स ऑर्डर। ताकि इसके सीक्वेंस में दिखे, और छोटा करना चाहते और छोटा कर दे। अब यहाँ पे ये तो हो गया हमारा। अब बात आती है कि अब इसमें मैं चाहता हूँ कि किस पे क्लिक कर, ऊपर वाले में कहीं भी क्लिक करूँ तो उसके अकॉर्डिंग मेरा चार्ट दिखे। एक तो ये डेटा हाइलाइटेड हो, और फिर उसके अकॉर्डिंग जो है मेरा कलर, यहाँ पे चार्ट का जो कलर है वो चार्ट का कलर दिखे। और चार्ट की बैकग्राउंड कलर भी मैं सेट कर सकता हूँ, कमेंट चार्ट बैकग्राउंड यहीं से ले लेता हूँ, ये थोड़ा सा ये भी ले सकते हैं। थोड़ा और हल्का कर देते सही रहता है, अब सही है। और मैं चाहता हूँ कि ऊपर रिव्यू भी दिखे, तो मैं यहाँ पे इसको सम करता हूँ, और फिर इसको सेलेक्ट कर देता हूँ, और यहीं पे मैं एन परसेंट देता हूँ रिव्यू। रिव्यू थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ, और इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करता हूँ, और यहीं पे पेस्ट एज ए पिक्चर कर देता हूँ, पिक्चर लिंक, और नीचे हो गया। और इसके बाद इसको हटा दो, ये पार्ट तो हमारा एक्सेल का पार्ट हो गया, जिसे पार्ट ओनली फॉर एक्सेल। अब पेज लेआउट में जाके थोड़ी सी फॉर्मेटिंग और कर देता हूँ, ग्रिड लाइन हटा देता हूँ। ये पार्ट तो हमारा एक्सेल का हो गया। अब बात करते हैं वीवीए का पार्ट, कि वीवीए का पार्ट इसमें क्या होना चाहिए, वीवीए का पार्ट इसमें क्या होना चाहिए। थोड़ा सा और इसकी फॉर्मेटिंग करना चाहो तो आप टेबल में जाके, यहाँ होम में टेबल में जाके भी इसकी फॉर्मेटिंग अपने हिसाब से कर सकते हो। नहीं, फॉर्मेटिंग सही नहीं आएगा, ऐसे ही है, या कर भी सकते हो फॉर्मेट एज ए टेबल। तो मैं जहां सेलेक्ट करूं पहले तो वो पूरा लाइन कॉल जो है एबीसी है ना हो जाए। तो इसके लिए मैं राइट क्लिक करूंगा और जाऊंगा प्रोटेक्ट, इसमें व्यू बोर्ड पे वर्कशीट एंड सिलेक्शन चेंज रखूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जहां सेल क्लिक हो वो, तो मैंने यहाँ पे लिखा, मान लीजिए मैंने दिया डिम आर एज ए
इंटीजर या मैं, हाँ इंटीजर कर देता हूँ, सही रहेगा। नहीं इंटीजर नहीं, मैं लॉन्ग कर देता हूँ, लॉन्ग एंड आर इक्वल टू एक्टिव सेल डॉट रो रो। और फिर यहाँ पे कंडीशन देना, इस पे देना है कि रेंज ए के साथ हमने आर दिया कॉमा, और सी 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 इसके साथ हमने आर दिया आर डॉट इंटीरियर डॉट कलर इक्वल टू वीवी रेड कर देते हैं। या फिर अगर वीवी रेड में क्या होता है कि इस तरह से कलर हो जाएगा आपका, तो मैं चाहता हूँ नहीं, जितना एरिया मैं जिसको सेलेक्ट करूँ वही कलर हो, बाकी कलर ना हो। देखिए जो सिलेक्शन हो तो बाकी कलर भी हो रहा है, तो इस पे करना है कि रेंज A1 से C11 डॉट इंटीरियर डॉट कलर मैंने कर दिया इक्वल एक्सल NON9। इससे क्या फायदा होगा कि मैं क्लिक करूंगा तो उतना ही एरिया क्लिक रहेगा, उससे पहले क्या है बाकी सारे कलर हट जाएंगे। लेकिन रेड होने से क्या हुआ कि ये छुप गया, तो मैं यहाँ पे रेड नहीं करना चाहता हूँ, मैं दूसरा कलर लगाना चाहता हूँ, जैसे कि जिस पे कलर मेरा दिखे। तो मैं मोर फील्ड पे मैं ये दिखेगा, हाँ ये सही है, ये तो पिंक पिंक हो गया, लड़की वाली कलर, ऐसी बात नहीं है, लड़की नहीं, लड़के भी यूज करते हैं, हाँ एक को सही रहेगा। अब कस्टम में जाके इसका RGB है 215, 153, 215, 255, 153। तो यहाँ पे रेड के जगह पे हमें करना है RGV 255,153,255। अब सही रहेगा, ये हो गया। अब मुझे क्या करना है, पहले पहले थिंग, सेकंड थिंग क्या करनी है कि जैसे मैं चेंज क्लिक करूं, कलर तो हो रहा है, मैं क्लिक करूं तो जो ये इस पे का डेटा है वो जेट मोटर, मतलब कि ये आपका C18 पे राइट हो जाए, एक पहला चीज। और फिर मैं क्या करना है कि रेंज C15 डॉट वैल्यू इक्वल टू रेंज ए, उसके साथ हमने कॉन्करेंट कर दिया आर को, आर डॉट वैल्यू। अब जिसे क्लियर करते हैं, रेंज C15, ओके नहीं, ओ गड़बड़ हो गई, C19 करना चाहिए था हमें ना, ठीक है। लेकिन एक बिगड़ गया ना, तो इसको हम सही करें, उससे पहले मैं कहीं भी क्लिक करता हूँ तो वो भी कलर हो जाता था। अब मैं चाहता हूँ कि नहीं, जो कलर करनी है यहाँ सी मतलब ए वन से A2 से लेके, मतलब A1 से लेके A18 के बीच में करनी है, तो यहाँ पे हम कंडीशंस देंगे, बोलेंगे कि इफ आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड
आर इज लेस देन इक्वल टू क्या होगा जे मतलब 11 है ना 11 दैट। अब इसमें एक एक चीज और भी है, मुझे एक सी भी निकालना पड़ेगा, इक्वल एक्टिव सेल डॉट कॉलर और यहां पे एंड सी इज लेस देन 3 लेस देन इक्वल टू 3 और फिर मैं यहां पे एंड विथ कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि अब मैं कहीं कलर रखूं, सॉरी एंड विथ नहीं एंड इफ करना चाहिए था हमें एंड इफ। अब कहीं भी कलर रखूंगा तो हाईलाइट नहीं होगा, लेकिन यहां पे रखूंगा तो वो हाईलाइटेड होगा और डेटा भी दिखेगा। और दूसरा चीज हमने जो ये बिगाड़ दिया हमने आयरन पेट्रोल लिख के, इसके जगह पे हम इंसर्ट में आते हैं सिंबल और हम इसको रखते हैं ताकि सही रिपोर्ट। नाउ इज फाइनली कंप्लीट कि जहां पे हम क्लिक करेंगे उसका बैकग्राउंड कलर होगा और जहां जहां हम सिलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग मेरा रिव्यू दिखेगा। तो इसको बोलते हैं ऑन डिमांड इवेंट, ऑन डिमांड कैलकुलेट। कि ऑन डिमांड इवेंट जो है कि आपके जब आप क्लिक करो जैसा आप करो उस समय आपका डिमांड चले तो उसके अकॉर्डिंग ये वर्क करता है। तो इस तरह की और भी नई चीजें और भी इंटरेक्टिव चीजें अगर आप सीखना चाहते हो, आप चाहते हो कि इस तरह से और भी नई चीजें हम सीख सकें तो हमारी लाइव क्लासेज ज्वाइन कर सकते हो। हमारी लाइव क्लासेज ऑनलाइन गो टू मीटिंग के जरिए दी जाती है। जी हाँ, गो टू मीटिंग सॉफ्टवेयर है हमारे पास, इसके जरिए हम लाइव टेलीकास्ट करते हैं अपने डेस्कटॉप का और आपके साथ हेडफोन के साथ हमें लाइव बातचीत होती है। तो आप हमारे साथ लाइव क्लासेस ले सकते हैं। ये क्लासेस लेने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ इंटरनेट या हेडफोन, इंटरनेट हेडफोन या सेलफोन या टैबलेट से भी हमारी क्लासेस ले सकते हैं। तो मेरी वेबसाइट ipt.com लॉगिन कीजिए और हो सके तो मुझे कॉल कीजिए। अगर आप लोगों ने मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको सारे अपलोडेड वीडियो इस तरह के इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी तरह का डाउट्स हो, क्यूरी हो, किसी भी चीज़ पे फंसते हो एक्सेल में, तो आप फील फ्री होकर मुझे कॉल कर सकते हो, मैं आपको पूरी सपोर्ट दूंगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।